देखो इसमें फॉर द नेटवर्क एज शोन आंसर दो। देखो ये है थोड़ा सा ट्रिक है, इसमें है बहुत आसान, कुछ नहीं करना है इसमें। सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो, क्या करेंगे, ये तीनों किसमें है, इन सीरीज, तो तीन 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 सीरीज में आंसर एक आएगा, एक और दो पैरेलल में आंसर तीन आएगा, तीन 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 सीरीज में एक आएगा, एक और दो तीन आएगा, तो ए 3 माइक्रोफेरेड, पूरा सिस्टम सॉल्व करके 3 माइक्रोफेरेड और बी। वो कह रहे हैं अगर मैं ए और बी में 900 वोल्ट अप्लाई कर दूं, तो बताओ इस ए और बी के नियरेस्ट कैपेसिटर जो भी होंगे उनमें वी कितना होगा। भाई नियरेस्ट कैपेसिटर तो तीन ही है, तीन तीन और 3 माइक्रोफेरेड के, तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा 300 वोल्ट, 300 वोल्ट एंड 300 वोल्ट। तो कह रहे चार्ज क्या होगा, निकाल लो, मल्टीप्लाई करो 900, 900 और 900, एक आंसर आ गया, ठीक हो गया। तो नियरेस्ट कैपेसिटर पहले बनाओ, उन नियरेस्ट कैपेसिटर के अंदर वी को डिस्ट्रीब्यूट करो और फिर चार्ज निकाल दो, एक आंसर क्लियर है, ठीक है। फिर क्वेश्चन और पूछ लिया, क्वेश्चन ये पूछ लिया कि सी और डी में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। एक काम करो, इन तीन 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 सीरीज में एक एक और दो पैरल में तीन, तो आप अपना डायग्राम ऐसे बनाओ, एक 3 माइक्रोफेरेड, फिर 3 माइक्रोफेरेड, सॉरी एक की जगह जो हमने डायग्राम बनाया था, चलो वही बनाता हूँ पहले मैं ऐसे, ये अभी हमने डिस्कस किया था और ये भी डिस्कस किया कि ये 300 वोल्ट पे होगा, 300 300 300 यहाँ तक हो गया था। अब इमेजिन करो ये तीन आया कहाँ से, ये तीन आया था, ये तीन आया था, ये आप पीछे से आ रहा है, पीछे से आ रहा है। अब पीछे से कैसे आ रहे, ये 3 माइक्रोफेरेड, ये तीनों और इसकी जगह एक लगा लो 3 माइक्रोफेरेड और यहां भी 3 माइक्रोफेरेड, ऐसे आ रहा है, ये देखो ऐसे आया था। इनमें से ये पॉइंट कौन है सी, ये पॉइंट कौन है डी, तो सी डी पॉइंट हो गया। इनमें आपको वी निकालना है। एक बात बताओ, ये 300 वोल्ट किससे बना हुआ है, देखो ये जो कैपेसिटर है इसकी 300 वोल्ट पे है, ये फर्दर तीन कैपेसिटर्स आगे कनेक्टेड हैं, कनेक्टेड इन क्या सीरीज, और अगर मैं तीनों को लगाऊंगा इसे पैरेलल में हो जाएंगे, तो ये 300 वोल्ट इन तीनों में 300 300 300 वोल्ट हो जाएगा, ऐसे तो 100 100 100 वोल्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो इसमें कितना होगा 100 वोल्ट 100 वोल्ट 100 वोल्ट, तो सी डी में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 100 वोल्ट, चार्ज निकाल लेना आंसर, कुछ करना ही नहीं है, बस सी डी के अंदर तीन तीन लगा लो और वो जो भी आपका 300 आया था पीछे से डिवाइड कर दो 100 100 और 100 में, तो आंसर आ जाएगा।